हेलो एवरीवन, दिस इज जमाल खान। वेलकम बैक टू द हैकर्स टॉक। आज हम बात करेंगे YouTube की वीडियो डिलीशन पॉलिसी के बारे में। YouTube एक अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो साझाकरण मंच है जिसका मुख्यालय सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। अल्फाबेट इंक गूगल के स्वामित्व वाले YouTube ने पिछले साल सामग्री नीति के उल्लंघन के लिए अपने मंच से लगभग 5 मिलियन वीडियो हटाए। YouTube की ऑनलाइन वीडियो साझाकरण सेवा व्यवसाय के स्वामियों के लिए ब्रांड एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए एक प्रसिद्ध अत्यधिक संगठित मंच प्रदान करती है। YouTube का अनुमान है कि दुनिया भर में उपयोगकर्ता हर 60 सेकंड में लगभग 72 घंटे की वीडियो सामग्री अपलोड करते हैं। परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ता अक्सर YouTube की सेवा की शर्तों और कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री अपलोड करने से दूर हो सकते हैं। यदि आपको कोई वीडियो मिलता है जो आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है या अन्य कारणों से अपराध करता है, तो आप YouTube को सेवा के फ्लैगिंग सुविधा का उपयोग करके इसे हटाने के लिए कह सकते हैं। हाल ही में YouTube वीडियो डिलीशन पॉलिसी के तहत मशहूर यूट्यूबर कैरीमिनाटी की वीडियो YouTube से डिलीट कर दी गई। लास्ट था ये? भाई थैंक यू। नहीं नहीं नॉक फिनिश। हां हां लास्ट ही था किसी स्क्वाड। नहीं रिमूव्ड है, कुछ भी बोलते। द वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वायलेटिंग YouTube पॉलिसी ऑन हैरेसमेंट। कोई बात नहीं गाइस, वो एक मेरे को तो लग रहा है एरर है एक पक्का, क्योंकि रेगा के साथ भी वही एरर हुआ है जहाँ पे उसके स्ट्रीमिंग बैन हो चुका है। डोंट वरी, वो सॉल्व हो जाएगा इशू। YouTube अधिकारियों का कहना है कि कंपनी उन वीडियो को हटा देती है जिनमें अभद्र भाषा होती है या हिंसा भड़काती है। यह प्रत्येक उदाहरण में अपलोडर के लिए स्ट्राइक जारी करता है और 3 महीने की अवधि में 3 स्ट्राइक के साथ अपलोडर्स को प्रतिबंधित करता है। सरकार द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की पहचान की जाती है और ऐसे समूह जो चाहें तो सामग्री को अपलोड कर सकते हैं। YouTube टेक कंपनियों के कंसोर्टियम के साथ हटाए गए वीडियो के डिजिटल फिंगरप्रिंट साझा करता है। YouTube ने कहा कि उसे अभी भी मनुष्यों की एक इन हाउस टीम की आवश्यकता है जो अतिरिक्त 1.6 मिलियन वीडियो पर स्वचालित निष्कर्षों को सत्यापित कर सके, जो केवल कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा क्लिप देखे जाने के बाद हटा दिए गए थे। स्वचालित प्रणाली ने एक और 1.6 मिलियन वीडियो की पहचान नहीं की जिन्हें YouTube ने उपयोगकर्ताओं, कार्यकर्ता संगठनों और सरकारों द्वारा इसकी सूचना दिए जाने के बाद लिया। बॉर्डरलाइन वीडियो पर ग्राफिक मुहर लगी है और उन विशेषताओं को छीन लिया गया है जो उन्हें प्रमुखता प्रदान करेंगे। YouTube ने इन वीडियो को प्रायोजित करने से बचने के लिए विज्ञापनदाताओं के लिए विकल्प जोड़े। YouTube ने कहा कि सत्य नीति को लागू करना मुश्किल होगा। कंपनी को भ्रामक जानकारी वाले वीडियो को हटाने के लिए अन्य नीति उल्लंघनों की तलाश करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए YouTube किसी फैब्रिकेटेड समाचार रिपोर्ट को हटाकर उसे अपने विषय को परेशान कर सकता है। YouTube ने पिछले साल वीडियो निकालना शुरू कर दिया था और जब फिल्मांकन ने किसी बच्चे को खतरे में डाल दिया हो या जब कार्टून चरित्र का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया जाता हो तो स्ट्राइक जारी करता है। YouTube इन वीडियो के बारे में कानून प्रवर्तन या बौद्धिक संपदा स्वामियों को सचेत नहीं करता है, क्योंकि YouTube का कहना है कि यह अपलोड करने वालों और अधिकारों की आसानी से पहचान नहीं कर सकता है। कॉपीराइट मालिकों का मानना है कि वीडियो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है या उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या ट्रेडमार्क YouTube को रिपोर्ट कर सकता है। कंपनी ने पिछले साल उन टिप्पणियों के मॉडरेशन को शुरू किया जो अनुचित रूप से बच्चों को संदर्भित करते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.thehackersstock.com।